क्या अभी फ्रेशनेस नजर आ रहा है, देख लो क्लाउडी क्लाउड एकदम नीले नीले बादल और सनरूफ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस प्राइस सेगमेंट में क्रेटा के बेस वेरिएंट में नहीं मिलता, टॉप एंड वेरिएंट में उठा सकते हो डीजल में। फिलहाल तो आया हूँ यहाँ पे शॉप में और ये जो शॉप देख रहे हो यहाँ पे हाईवे साइड है और आज मैं खास चीज आपको दिखाने वाला हूँ वो सबसे खतरनाक है। यहाँ पे भाई साहब जो गाड़ी फिलहाल जो पार्किंग से निकाल रहे हैं ये गाड़ी से मैंने दिखाई ना ब्लॉग में, यहाँ पे फिलहाल तो ग्रीन मार्बल वार्बल का इनका जो है शॉप है मकान है, तो ये जो है वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ह्यूंडई ये छोटे छोटे बच्चे भी है यार, यार कितने मजा आता है छोटे छोटे कुत्ते के। जहाँ तक ये गाड़ी को देखने की जरूरत नहीं यार, पीछे से जैसे फेसलिफ्ट हो चुके ना जिस तरह से गाड़ी, भाई रुतबे ही अलग है। और बात किसकी कर रहा हूँ आप पहचान गए होंगे, जो स्लोली स्लोली पीछे आ रही है। और जहाँ तक कि मेरे ब्लॉग की जो मैंने जहाँ तक कि मैंने OMY07 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जो वेन्यू को जो मैंने इतना मतलब हाई डिमांड पे लिया है और जहाँ तक कि ब्लॉग डाले है वेन्यू के, जो आपने सपोर्ट दिया ना भाई साहब वेन्यू को, कमाल है यार। मतलब इतना मस्त दिखती है और जैसे ही वो फेसलिफ्ट बनी है उसके बाद वेन्यू की बात आती है यहाँ पे एक फेसलिफ्ट गाड़ी की, तो ये भाई साहब देख लो। और सबसे ये चीज़ खास क्यों दिखा रहा हूँ मैं, और जहाँ तक कि मैंने वेन्यू के जितने भी ब्लॉग्स डाले आपने ज़बरदस्त सपोर्ट किया और गाड़ी मेरे से मेरी लकी रही है और आप इतना प्यार देते आ रहे हो, तो OMY07 चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को अगर नए हो तो डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट और ज़्यादा करके विजिट करके जाना। यहाँ पे है ह्यूंडई वेन्यू SX और ये जो है वो 1.5 लीटर है, 1.2 लीटर नहीं 1.5 लीटर डीजल आप देख रहे हो मैनुअल में, और ये मैनुअल आपको दिखाई पड़ जाती है जहाँ तक कि गियर की बात आती है तब क्रेटा वाला गियर आपको दिखाई पड़ता है। और सामने आप देख सकते हो ये ह्यूंडई का लोगो, टाइगर नोज ग्रिल आपको दिखाई पड़ता है, आपको हैलोजन बल्ब आता है और प्रोजेक्टर हैलोजन बल्ब आता है, डे टाइम रनिंग लाइट आती है, क्रोम फिनिशिंग आपको दिखाई पड़ती है और यहाँ पे आपको जो है वो ORVM आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वाले मिलते हैं। पीछे बात आती है वेन्यू की, तो जहाँ तक के मैंने हमेशा ब्लॉग में ज़्यादातर के जो वाइट वेन्यू है वो दिखाई होगी, ग्रे इस टाइप की वेन्यू दिखाई होगी, लेकिन भाई साहब जो वेन्यू की बात आती है आपने इतना प्यार दिया है ना, तो मुझे वेन्यू ही नज़र आता है। अभी दिखाता हूँ पीछे वेन्यू आपको नाम लिख के आता है, ह्यूंडई का लोगो आपको दिखाई पड़ता है और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल आपको दिखाई पड़ते हैं, ये जो है वो आपको डिफॉगर दिखाई पड़ता है और ये सफोमीटर SUV में चली जाती है। टायर पफल की बात हो तो ह्यूंडई के लोगों के साथ डायमंड कट अलॉय मिलते हैं क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट आप देख रहे हो डीजल वाला, ये SX ऑप्शनल होता पेट्रोल वाला होता तो। और सबसे खास बात रही टायर प्रोफाइल, C8 के टायर कंपनी फिटेड आते हैं वो भी 215/60R16 के, यहाँ पे डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा हैलोजन बल्ब मिलता है इंडिकेटर के लिए और जबकि यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है और इस तरह से कुछ स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आपको बटन इलेक्ट्रॉनिक्स एडजस्टमेंट वाले मिलते हैं। पीछे बात रही सीट की, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ पीछे लेदर फैब्रिक आपको मिल जाता है, ये सॉफ्टेस्ट कुशनिंग मटेरियल है यहाँ पे क्योंकि ये कंपनी फिटेड नहीं है, थर्ड पार्टी डालवाया है। जैसे अंदर बैठते हो गंदी विंदी बहुत हो रखी है गाड़ी अंदर, जैसे बैठ जाते हो यहाँ पे पीछे सीट करते हो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाता है। ह्यूंडई का वेन्यू है, वेन्यू का ह्यूंडई है, मतलब जो जहाँ तक कि ह्यूंडई को मैंने जिक्र करता हूँ ना मैं हमेशा ब्लॉग में डालता हूँ, इतना प्यार दिया है आपने तो ह्यूंडई का ये वेरिएंट अभी मैं बताता हूँ, पहले बाहर तो उतरता हूँ। ये देख लो सबसे बात रही इसकी, वाइट ह्यूंडई वेन्यू हमेशा मैंने जो है वो हम ब्लॉग में डाली है लेकिन वो पेट्रोल में, ये वाला सबसे खास वेरिएंट है 1.5 लीटर डीजल मैनुअल जो है वो 4 सिलेंडर इनलाइन मिलता है, ये वाला पर्टिकुलर इंजन जो है वो 113 BHP और 89 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4,500 RPM में। ह्यूंडई का वेन्यू का जो है वो रुतबा ही अलग है, जहाँ तक कि फेसलिफ्ट हुई है, टाइगर नोज ग्रिल मिलते हैं आपको और जो फेसलिफ्ट होने के बाद BS6 में इतनी ज़बरदस्त दिखती है ना गाड़ी, क्या ही बताओ आपको। पीछे ऐसे लेके चलता हूँ तो आपको अच्छा खासा जो है वो नॉर्मल आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, हालांकि थोड़ी सी इंक्लाइन पोजीशन पे गाड़ी खड़ी है और मज़ा आता है। मुझे भी पर्सनली ऑनेस्टली बताऊँ गाड़ी इतनी अट्रैक्टिव होने लगी है ना, इसके सीधे अलावा कॉम्पिटिटर जो है वो किया के सोनेट आते हैं, अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बटन आपको मिल जाता है, यहाँ पे की नॉट डिटेक्ट आ रहा है, यहाँ पे ह्यूंडई का लोगो मिलता है, वॉइस रिकॉग्निशन बटन, मोड वगैरह बटन, वॉल्यूम के कंट्रोल के, रॉकिंग के बटन, यहाँ पे जो है वो ये जो है वो क्रूज कंट्रोल बटन आता है, वो क्रूज कंट्रोल आता है और क्या चाहिए ओके बटन आता है, यहाँ पे पॉज वगैरह करने के लिए बटन आपको मिल जाता है, ह्यूंडई का लोगो अगेन मिल जाता है। और सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ पे जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कर दिया है, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन सिंगल जोन आपको मिल जाता है, USB सॉकेट आपको मिल जाता है, यहाँ पे ये जो है वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, ये आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पे डेडिकेट आपको मिल जाता है, ये जो है वो आपका 7 इंच की मैट फिनिशिंग के साथ टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी एप्पल कार पे एंड्रॉइड रेडियो वीडियो हर तरह की कुछ सभी मिलती है। सभी बात सबसे खतरनाक बात ये, जब से ह्यूंडई वेन्यू फेसलिफ्ट आया ना इंटीरियर भाई काफ़ी तगड़ा है और वेन्यू का मज़ा ही आता है, यहाँ पे ग्रैब एंड लगन आपको दिखाई पड़ता है, अच्छा खासा ग्लो बॉक्स आपको दिखाई पड़ता है, अच्छा खासा स्पेस रखने के लिए कुछ जो है का बॉटल वॉटल छोटी मोटी पेपर वर्क रखने के लिए चारों की चारों बॉटल रहते हैं, 4 स्पीकर 1 एम्पलीफायर के साथ ये वाला वेरिएंट आता है। और सबसे खतरनाक चीज़ ये देख लो भाई साहब,
क्या अभी फ्रेशनेस नजर आ रहा है, देख लो क्लाउडी क्लाउड एकदम नीले नीले बादल और सनरूफ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस प्राइस सेगमेंट में क्रेटा के बेस वेरिएंट में नहीं मिलता, टॉप एंड वेरिएंट में उठा सकते हो डीजल में, यहाँ पे 6000 तक मार्केट मिल जाते हैं। फिलहाल गाड़ी लॉक है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन डिटेक्ट नहीं है, की नहीं आ रहा है, स्मार्ट हाइब्रिड का बटन आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आता है, व्हाइट के साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन आपको जहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जब बात आती है अब लॉक हो गया, ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है, स्टील व्हील मिल जाता है आपको, मतलब ये जो है वो ग्रेश मैट फिनिशिंग के सिल्वर ग्रे फिनिशिंग मिल जाते हैं सभी जगह देकर, काफ़ी प्रीमियम सी आपको जो है वो गाड़ी दिखाई पड़ती है। सफोमीटर एसयूवी में आती है। यहाँ पे अगेन बात करते हैं, चारों के चारों बटन आपको मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे लॉक विंडशील्ड करने के लिए बटन मिल जाता है, ये ओआरवीएम आपको फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए बटन मिल जाता है, चारों के चारों शीशे बंद करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे ट्विटर आते हैं ये आपको लॉक अनलॉक करने के लिए, ये सिल्वर ग्रे फिनिशिंग का ये कंसिस्टेंसी मतलब कांस्टेंट रखी है सभी चीज़ें। और कंफर्ट के मामले में वेन्यू तगड़े, पीछे यहाँ तक की बात आती है, अभी देख लो यहाँ का चक्कर देख लो, पीछे पूरी फोल्ड करके रखी है मैंने सीट, पूरी की पूरी रिक्लाइंड है पीछे वाले, लेकिन अभी तक भी पाँच पाँच वाला बंदा आराम के साथ बैठ सकता है, वो स्पेस बन जाता है। और जैसे मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, और ये सीट जो है वो आगे करवाता हूँ, यहाँ पे हो नहीं रही, यहाँ पे आगे करवाता हूँ, तो यहाँ पे पीछे आपको अच्छा खासा पाँच सात वाला आराम के साथ बंदा बैठ सकता है। चल तो बूट पेयरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, 210 लीटर का बूट पेयरिंग कैपेसिटी मिल जाता है, मैग्नेटिक बटन आपको मिल जाता है, लेकिन वेन्यू में शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे मिलता है, ये बटन दबाने पर 210 लीटर का बूट पेयरिंग कैपेसिटी आपको मिल जाए। डीजल है तो आराम के साथ आप जा सकते हो, दो बीन बैग के साथ, एक तकिए के साथ आराम के साथ जा सकते हो। यहाँ पे पार्सल ट्रे आपको आता है, छोटे मोटे क्रीजेस आपको मिल जाते हैं, हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाते हैं, डिफॉगर आते हैं, यहाँ पे ग्रैब हैंडल बंद करने के लिए आता है, दो लाइट्स आती है यहाँ पे, और ये जो है वो 360 पार्किंग कैमरा था, एवरेज है हिसाब से, वेन्यू बड़ा बड़ा सिलिका है, ह्यूंडई का लोगो है, डे टाइम रनिंग लाइट है यार, मतलब सबसे बढ़िया चीज़ बताओ गाड़ी के मामले में, ये देख रहे हो ये पूरी फेसलिफ्ट बन गई, डे टाइम रनिंग लाइट हो गया। और पीछे जैसे मैं लेके चलता हूँ आगे, यहाँ पे जूम करता हूँ, क्या गाड़ी दिख रही है देखो, और यहाँ पे दो रूफ रेलिंग के साथ एक शार्पिन एंटेना आपको मिल जाता है, डीजल का 457 लीटर का टैंक मिल जाता है, यहाँ पे जो है 57 तक एवरेज बंदा बैठ सकता है। यहाँ पे अगेन बात करते हो तो इसके हिसाब से बनी है, यहाँ पे चारों के चारों एसी वेंट्स आते हैं, और यहाँ पे अच्छी खासी गणेश बापा की मूर्ति है, और डे टाइम रनिंग लाइट होती है आरवीएम तो अच्छा होता, लेकिन आपको मिलती नहीं, और संदरूप आपको अच्छा खासा एरी एरी सब बना देता है, एक आर्मरेस्ट आपको डेडिकेट मिलता है, कुछ रख सकते हो फिलहाल तो पैसे वैसे रखे हुए। यहाँ पे ये जो है वो आपको मिल जाता है आराम के साथ फ्रेशनर, यहाँ पे ये अच्छे खासे आपको फ्रेगरेंस देता है, यहाँ पे कप होल्डर दो आते हैं, और यहाँ पे ग्लो बॉक्स आपको मिल जाता है, वायरलेस टच स्क्रीन कीपैड आपको मिल जाता है, सिक्स गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक आपको सिंगल जोन क्लाइम ये जो है आपको मिल जाता है। यहाँ पे कुछ रखने के लिए आपको जगह दिखाई पड़े, वेन्यू आपको चारों के चारों यहाँ पे मिल जाता है। सबसे बढ़िया बात वैल्यू फॉर मनी, व्हाइट कलर के साथ SX ऑप्शनल डीजल आपको मिलते हैं टॉप एंड वेरियंट में, SX आपको डीजल में टॉप एंड मिलती है, क्योंकि इसके बाद पेट्रोल आना स्टार्ट हो जाता है, और मैनुअल में 1.5 लीटर इनलाइन फोर सिलेंडर मोटर आपको मिलती है, और करीबन जो है वो 113 BHP 79 न्यूटन मीटर का पीक टॉक ये वाला पर्टिकुलर इंजन छोड़ता है, CRDI 1.5 वही क्रेटा का इंजन यहाँ पे प्लेस्ड है। और सबसे खतरनाक बात वेन्यू का जहाँ तक है मैंने जिक्र किया है, हमेशा आपने प्यार दिया है, सब्सक्राइबर भाई कोई हो अभी भी वेन्यू में दिखाता हूँ, अच्छे खासे जो है वो सेगमेंट में आती है क्रेटा, जिसको जो है वो बेस वेरिएंट 12 लाख में आता है। ऑन रोड कीमत की बात करते हैं तो SX ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट वेन्यू आपको उसी कीमत में 13,80,000 में ऑन रोड आपको मिलती है, वो भी SX में। ऑप्शन में जाओ तो पेट्रोल में 1.4 लीटर तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, यहाँ तक कि 1.4 टर्बो, 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, और ये वाला अभी फिलहाल ह्यूंडई का लोगो देख लो, जो भी BS6 है फेज 2 में होता तो अभी जो नया करवा दिया गया डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ आपको यहाँ पे मिल जाए। कैसी लगी वेन्यू मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो देख लिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।